हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के अपने इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जैसा कि शुरू से ही विवादों में रही और 1 साल से अधिक लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी भी भर्ती पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए और चैनल ने भी उसको जो है प्रमोट किया और साथ दिया आप लोगों का, और एलटी ग्रेड के लिए तैयारी में भी आपकी हेल्प कराई गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलटी ग्रेड के लिए प्रतियोगी मोर्चा ने एक नई पहल शुरू की है। प्रतियोगी मोर्चा ने अब जो है डेली शाम को जो है ट्वीट करना जारी किया है। तो ट्वीट करने का ये है कि ट्वीट करने का निर्णय लिया है। ट्वीट करने से ये होगा कि सरकार पर एक नैतिक दबाव बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समय जो है ट्वीट और ये सब आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ कि धरना प्रदर्शन आंदोलन और बहुत ज़्यादा दबाव नहीं, लेकिन दोस्तों एक नैतिक दबाव तो किया ही जा सकता है। वो केवल एक नैतिक दबाव रहेगा कि जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य हों, क्योंकि जब परिस्थितियाँ सामान्य हैं तब भी तो कुछ नहीं हो पाया था, तो जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य हों तो सरकार इस पर विचार करे और जो लोग मेहनत किए हैं, एग्ज़ाम निकाले हैं, उनका परिणाम मिले और उनको नियुक्ति मिले, यही हम आशा करते हैं। इसलिए जो ट्विटर वाला है तो ये ठीक है, इससे कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आ जाएगा कि उसका काम रुक जाएगा, लेकिन हाँ एक नैतिक दबाव इससे बनेगा, ये अच्छी पहल कही जा सकती है। और रिजल्ट कब तक आएगा जो हिंदी और SST का है, तो उसके लिए ये कह सकते हैं कि आयोग ने अपने स्तर से दो स्तर कमेटी का गठन किया है। आप जान रहे हैं लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन आशा करते हैं कि लॉकडाउन के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट जैसे ही देगी तो अध्यक्ष जी इस पे फैसला लेंगे और रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।